टीम इंडिया ने इंग्लैंड को हाल ही में 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में 3-1 से मात देकर आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। न्यूजीलैंड की टीम ने पहले फाइनल में जगह बना लिया था और इसीलिए आईसीसी ने ऐलान करके बताया है कि इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच 18 से 22 जून के बीच साउथहैम्पटन के रोज बॉल क्रिकेट ग्राउंड पर फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। मैं आपको बता दूं कि पहले ये मुकाबला लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेले जाने वाला था, लेकिन आईसीसी और ईबीसी ने कोरोना वायरस के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए साउथहैम्पटन में फाइनल मैच के आयोजन पर फैसला किया है। आईसीसी के मुताबिक साउथहैम्पटन में ट्रेनिंग के लिए वर्ल्ड क्लास सुविधा मिलती है। दोनों टीमों को ट्रेनिंग की सबसे अच्छी सुविधा मुहैया करवाने के लिए और कोरोना वायरस के खतरे से बचाव करने के लिए साउथहैम्पटन से अच्छी जगह हो ही नहीं सकती थी, तो लॉर्ड्स की बजाय 18 से 22 जून के बीच साउथहैम्पटन में इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच WTC का फाइनल होने वाला है। इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की क्रिकेट वीडियोस को देखने के लिए क्रिकेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करें।